अब आता है कि जितने भी जंतु हैं उसमें पोषण होता कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पौधों में किस प्रकार से पोषण पाया जाएगा। तो देखिए, जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में आरबी टेकर ने जब एनिमल किंगडम को डिवाइड किया था 5 टाइप्स में, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा एक किंगडम था आपका प्लांटी, जिसमें जो निम्न श्रेणी के जंतु या फिर उच्च श्रेणी के जंतु थे उसको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग टाइप में डिवाइड किया था। तो जो निम्न श्रेणी के जंतु आते हैं, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब जो होते हैं निम्न श्रेणी के जंतु आते हैं, जिसमें शैवाल वगैरह आते हैं, तो ये जो है आपका काफ़ी छोटे जीव होते हैं और इनमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ये अपने शरीर के सतह के द्वारा विसरण क्रिया से ही भोजन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े जंतु होते हैं उनमें पोषण, उसमें ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत होती है, इसीलिए उसमें क्या होता है, पोषण के अलग तरीके पाए जाते हैं। तो जो बड़े पौधे होते हैं, या कहें डायरेक्ट यहाँ पर लिख लें कि पौधों में किस तरीके से पोषण होता है, तो पौधों में पोषण की बात करें तो पौधों में पोषण के लिए एक विधि पाई जाती है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, लोअर क्लासेस से आप लोग पढ़ते होइएगा, जिसका नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको, याद रखिएगा क्या है, प्रकाश संश्लेषण। देखिए इसको हम एकदम इजी वे में समझाएंगे, आसानी से आप लोग इसका परिभाषा भी समझ जाइएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग जान लें कि प्रकाश संश्लेषण, पौधा में प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, उसमें पोषण होता है। ओके, कह लें कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक क्रिया है, काम है, विधि है, कह लें, ठीक है। तो ये काम, क्रिया, विधि किस टाइप का, क्यों, ताकि पोषण मिल पाए। यानी कह लें कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक क्रिया है जिसके द्वारा पौधों में पोषण प्राप्त होता है, ठीक है, याद रहेगा। क्या होता है, पौधों में पोषण प्राप्त करने की एक विधि है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, या परिभाषा भी पूछा जाता है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं परिभाषा। तो परिभाषा की बात कर लें तो उससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों का होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए चार कच्चे सामग्री का होना जरूरी है। जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं घरों में, तो रोटी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप की चीज़ों का जरूरत पड़ता है, जैसे आटा, पानी, है ना, तावा, आग वगैरह, इन सभी चीज़ों का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए भी चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है जिसे हम कच्चा सामग्री बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं चार, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तो हो जाएगा जल, ये इम्पोर्टेंट है, जल। फिर क्या हो जाएगा, हरित लवक, जो कि प्लांट में पाया जाता है, और मैंने जब स्टार्ट किया था वीडियो में तो उसी समय मैंने कहा था कि हरित लवक सिर्फ और सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है, इसीलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, और ये भी जरूरी नहीं कि सभी पौधों में, लेकिन मैक्सिमम पौधों में होता है। तो जल, हरित लवक, उसके बाद क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो पौधे को चाहिए ही चाहिए, इन चार चीज़ों के होने के बाद ही पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो कह लें प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे सामग्री का होना जरूरी है, चार कच्चे सामग्री होने आवश्यक हैं, ठीक है। अब देखिए, चार कच्चे सामग्री, इन्हीं चार कच्चे सामग्री की सहायता से पौधों में भोजन संश्लेषित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो कैसे परिभाषा बनाएंगे सुनिएगा, पौधों में जल, हरित लवक, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ग्लूकोज के संश्लेषण की प्रक्रिया को या भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, याद रहेगा। प्रकाश संश्लेषण कैसे कहेंगे, पौधों में जल, हरित लवक, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन संश्लेषित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो पौधा जल कहाँ से प्राप्त करता है, तो याद रखिएगा पौधा जो जल प्राप्त करेगा वह मिट्टी से करेगा, ठीक है, किससे करेगा, मिट्टी से करेगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि पौधा मिट्टी से जो जल प्राप्त करता है वह कौन सी क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है, तो याद रखिएगा इस क्रिया को बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं, परासरण, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि पौधा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण किस क्रिया द्वारा करते हैं, परासरण क्रिया द्वारा करते हैं, ठीक है। अब हरित लवक की बात करें तो हरित लवक पौधा में स्वयं होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश बताने की जरूरत है ही नहीं, सूर्य से मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, वायुमंडल से मिलेगा। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से मिलता है वो कौन से क्रिया के द्वारा मिलता है, तो वो क्रिया कौन सा हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। दोनों पॉइंट याद रखेगा,
ये पराशरण और विसरण। अब बात आता है विसरण क्या है। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना ही क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। और यदि विसरण की क्रिया किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है तब उसे क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। तो दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या कि पौधा घुलित जल, सॉरी, जल और घुलित खनिज लवणों का अवशोषण किस क्रिया द्वारा करते हैं? तो किस क्रिया द्वारा? परासरण क्रिया द्वारा। और वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा करते हैं? विसरण क्रिया द्वारा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक और पॉइंट पूछता है कि हरित लवक जो है वह जनरली पाया कहाँ जाता है पौधे में? तो देखिए, वैसे तो पूरे पाठ में कह रहे हैं, लेकिन हायर क्लासेस में जाओगे तो डिवाइड करोगे तो पूरे पाठ में, लेकिन आपका पत्ती जो होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा हरित लवक पाया जाता है। किसमें? पत्ती में हरित लवक मैक्सिमम पाया जाता है। चूंकि पत्ती में हरित लवक की मात्रा होती है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कहाँ होती है? आदि से अंत तक पत्ती में ही होती है। कहाँ होती है? पत्ती में, ठीक है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसीलिए पत्ती को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। जैसे हमारे घरों में जिस रूम में खाना बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? रसोई घर। उसी तरीके से पादप का रसोई घर किसे हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका होना अनिवार्य है, तो हमने बताया था हरित लवक का होना अनिवार्य है, इसीलिए हरित लवक को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई बोलते हैं, यानी कि यूनिट बोलते हैं। याद रहेगा, यह दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, हम एक केमिकल इक्वेशन की बात कर लें कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें जल, हरित लवक, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और क्या बन के आता है? तो चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, मैंने अभी कहा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए चार कच्चे सामग्री का होना जरूरी है। किस किस चीज का? तो बात करते हैं। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे यदि ना दिख रहा हो तो मैं ब्लैक कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या था? जल। किसकी उपस्थिति में भाई? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और एक और चीज क्या होना अनिवार्य था? हरित लवक का होना अनिवार्य था। अब जब ये चार चीजें मिला, जब ये चार चीजें मिला तो क्या बनेगा? भोजन। तो पौधे में भोजन के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा, एग्जाम में केमिकल फॉर्मूला भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, क्या होता है? C6H12O6। अब जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई तो ग्लूकोज बना, इसके साथ साथ और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, ठीक है, वाटर बनेगा। और एग्जाम में लिख दिया जाता है एनर्जी भी। चलिए हम भी लिख देते हैं एनर्जी। अब एक चीज यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, क्या केमिकल रिएक्शन जो है आपका, ये जो केमिकल इक्वेशन है, समीकरण है, वह संतुलित है कि नहीं है? तो गौर कीजिएगा, संतुलित कहने का मतलब ये होता है किसी भी रासायनिक समीकरण जो होता है इसको हम संतुलित कब कहेंगे? जब तीर के दोनों तरफ जितने भी एटम हैं उनके परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो तो हम इसे क्या कहेंगे? संतुलित कहेंगे। तो गौर करते हैं, कार्बन की बात कर लें तो कार्बन इधर कितना है? एक है, लेकिन इधर कितने? छः हो गया ना गड़बड़, तो चलिए संतुलित कर लेते हैं। छः कितना हो गया? छः कार्बन हो गया, छः कार्बन हो गया। चलिए ऑक्सीजन की बात कर लें तो यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 × 12 और यहाँ पर 1 × 13। इधर चलते हैं, 6 × 2 = 8 और 1 = 9, तो भी गड़बड़। तो चलिए यहाँ पर एक और अगर हम 6 लगाते हैं तो देखिए 6 × 12 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया? 12 × 6 = 18। इधर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना हो गया? 6, यहाँ पर 6 लगा दें, 6 × 12 = 6 = 18। एक काम करते हैं, यहाँ पर 6 × 12 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 × 12 और 12 × 12 = 24 हो गया। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, ऑक्सीजन 6 है, 6 × 12 = 6 = 18 हो गया। चलिए यहाँ पर भी 6 कर देते हैं, तो पूरा हो गया 24। देखिए यहाँ पर 6 × 12, ऑक्सीजन इधर 12 और यहाँ पर 12 × 12 = 12 टोटल 24। इधर चलते हैं, 6 × 12 और यहाँ पर 6 = 18 और यह 6
कितना हो गया आपका टोटल 24, ऑक्सीजन का काम खत्म। अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखिए 12 दोना 24 इधर चलते हैं, यहाँ 12 और यहाँ पर 6 दोनी 12, तो 12 12 24 तो कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में एज इट इज पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा केमिस्ट्री वाली बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यों बात करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद उत्पाद के रूप में क्या बनता है, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। तो देखिए प्रोडक्ट उत्पाद, उत्पाद किसे कहेंगे जो हमारे लिए यूज लायक हो, और उपोत्पाद किसे कहेंगे जो हमारे लिए यूज लायक ना हो। तो पौधा में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो बनता है ग्लूकोज, जो कि पौधे के लिए जरूरी है ताकि उसमें एनर्जी मिल सके। तो ये जो ग्लूकोज बनता है तो इसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद, क्या बोलते हैं उत्पाद, यानी कहने तो प्रोडक्ट। तो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो क्या बनेगा आपका ग्लूकोज बनता है। और उसके बाद ये जो सारे पॉइंट हैं, यानी कहने ये जो आपका बनता है ये आपका बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है, क्योंकि पौधा इसका यूज नहीं करता है। कहिएगा कैसे, तो देखिए ऑक्सीजन पौधा एक्सक्रिएट करता है जिसका यूज हम लोग करते हैं रिस्पायरेशन में, जल वाष्प के रूप में, जो एक्स्ट्रा जल पौधे में बचता है वो वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में अभी देख रहे होंगे यहाँ पर पसीना पूरा है, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में ये एक्स्ट्रा वाटर आ चुका है गर्मी की वजह से, है ना, तो ये बाहर एक्सक्रिएट हो रहा है। तो चलिए समझ में आ गया होगा, तो ये जो दो बना इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट यानी कि उपोत्पाद। ओके, एग्जाम में पूछे जाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन और जल बनता है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में ऑप्शन में आपका दोनों रहे, कोई एक भी रह सकता है, तो याद रखिएगा। तो यह हमारा समाप्त होता है प्रकाश संश्लेषण पौधे में कैसे होता है, या कह लें कि पौधे में पोषण कैसे होता है।